हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट्स की तरफ से आने वाले वायरलेस हेडफोन्स की। अगर आप गेमिंग लुक वाले एक हेडफोन्स को ढूंढ रहे हैं जिसमें अच्छा खासा आपको बेस देखने के लिए मिल जाएगा, तो गाइस ये परफेक्ट हेडफोन आपके लिए होने वाले हैं। इस वीडियो में सारी बात करेंगे आगे इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसके प्राइस के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते पर गाइस, पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आप हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। मैंने और भी गेमिंग लैपटॉप्स या फिर और लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग ऊपर डाल रखी है, बटन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैंने इसे बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, तो सोचा आपको इसका क्यों ना एक परफेक्ट रिव्यू मैं दे दूं, क्योंकि एक परफेक्ट रिव्यू बहुत टाइम यूज करने के बाद ही दिया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं इसका, मैं आपको फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग और एक परफेक्ट रिव्यू आपको दे देता हूं। तो कुछ इस टाइप की इस बॉक्स की डिजाइन के साथ ही आपको अब मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स है। सामने की तरफ आपको बोट्स के वायरलेस हेडफोन दिख रहे होंगे जिनका बिल्कुल परफेक्ट गेमिंग लुक है। पीछे कुछ डिटेल्स दी गई है, माइक्रोफोन विद वॉल्यूम कंट्रोल और बाकी फीचर्स के बारे में बात करा गया जो कि हम आगे वीडियोस में करेंगे। तो फटाफट हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर कुछ आपको अलग से देखने के लिए नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी इसकी पैकेजिंग देती है कंपनी। तो कुछ इस टाइप से इसके ये हेडफोन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन्हें हम अभी साइड में रख देते हैं और चीज देख लेते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। ये दो केबल्स मिल जाती है जिनके बारे में बात करेंगे अभी हम, और इसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड और कुछ मैनुअल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, हम इसे साइड में रख देते हैं। और पेपर वर्क तो वैसे आज तक तो कोई पढ़ता नहीं है, तो अब क्या पढ़ेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। और ये गाइस वारंटी कार्ड है, पर इसे मत फेंकना, इसे संभाल के रखना। तो गाइस बात कर लेते हैं इन दो केबल्स की, इसमें हमें कौन कौन सी केबल देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस इसमें आपको दो केबल देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें से कि एक आपको माइक्रो यूएसबी 2.0 देखने के लिए मिल जाएगी जो नॉर्मल चार्जिंग के साथ आती है, इससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी आपको ऑक्स टू ऑक्स केबल देखने के लिए मिल जाएगी। मान लीजिए अगर आपके हेडफोन्स की बैटरी खत्म हो जाती है और आपको म्यूजिक सुन रहा है या फिर आप गेम खेल रहे, तो आप इसे डायरेक्टली अपने पीसी में या फिर मोबाइल में कनेक्ट करके खेल सकते हैं बिना किसी झंझट के। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं गाइस हमारे इन हेडफोन्स की। तो ये काफी अच्छे डिसेंट लुक के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस मैं आपको बता दूं, ये गेमिंग हेडफोन तो नहीं है, पर पूरी पूरी वाइब्स आपको गेमिंग हेडफोन्स की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको एक साइड में एलईडी इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफी अच्छा लुक देता है, और राइट साइड में आपको कुछ बटन्स देखने के लिए मिल जाएंगे जिनसे आप गाने को आप अपना फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट गाने को चला सकते हैं। वॉल्यूम बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अप एंड डाउन वाले, और लेफ्ट साइड में आपको कुछ और नहीं देखने के लिए मिलेगा, पर लेफ्ट साइड के नीचे आपको एक ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाएगा जिससे आप अपने ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे आपको इसका एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस अब इसकी मैं बात कर लूँ चार्जिंग की, तो ये मैक्सिमम 2 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है, और प्लेबैक टाइम जितना मेरे को मिला है अगर आप इसे कंटिन्यूस चलाएंगे म्यूजिक पे तो आपको एक 10 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। अगर आप इसमें गेम वगैरह खेलेंगे, हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनेंगे, तो 8 to 9 hours का आपको मैक्सिमम बैटरी लाइफ इसकी देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मेन चीज की, जो कि एक बंदा या फिर कोई भी हेडफोन लेने से पहले वो 3 चीजें जरूर सोचता है। क्या उसकी बेस अच्छी आपको मिलेगी, उसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है, और उसके ईयर कुशंस आपको कितने अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जितने भी आपने देखा होगा लो क्वालिटी हेडफोन्स होते हैं, उसको आप अगर कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक लगाएंगे तो आपके ईयर्स में दर्द होने लगता है, वो दर्द करने लगते हैं, फिर आपका मन भी नहीं करेगा, और होता है ना कि उसमें बेस भी नहीं मिल रहा है। और आपने देखा होगा कि एक बिल्ड क्वालिटी की भी बात होती है, अगर आप किसी भी एक हेडफोन को पकड़ रहे हैं तो उसमें प्रीमियमनेस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो गाइस अगर ओपिनियन बताऊं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वाली गेमिंग वाइब्स तो नहीं आएंगी, पर आपको एक डिसेंट सा लुक देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत अच्छी खासी इसमें बिल्ड क्वालिटी यूज करी गई है, ऊपर आपको बोर्ड्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, आपको यहाँ पे एक हेड कुशन देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर की तरफ, जिससे कि आपको फोरहेड पे दिक्कत नहीं हो। और इसके ईयर कुशंस की मैं बात करूँ तो गाइस आपको डिसेंट सॉफ्टनेस के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इसे कंटिन्यूसली 2 से 2.5 मैं कहूँ 4 घंटे भी यूज कर लेंगे लगातार, तो आपके ईयर्स में दर्द नहीं होगा। अगर आप उसके ज्यादा यूज करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे, तो थोड़ा बहुत पेन होने लगता है इनसे। बता दूं इसमें आपको साइज की दिक्कत भी नहीं आएगी। किसी किसी का होता है कि सर बहुत बड़ा होता है या किसी का सर बहुत छोटा है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके हेड एडजस्टर दे रखे हैं, आप कम से कम मिनिमम आप इतना उसे ओपन कर सकते हैं, अपने साइज के हिसाब से आप इसे ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ आपको इस टाइप का लुक देखने के लिए मिल जाएगा।
गाइस मैं आपको बता दूं कि ये परफेक्टली ईयर्स में फिट हो जाते हैं, तो ये इसकी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो गाइस इनका साइज इतना बड़ा दिया गया है कि अगर आप इन्हें पहनेंगे तो आपके ईयर इसमें कंफर्टेबली फिट हो जाएंगे। अगर कोई बाहर से बंदा आवाज देगा, अगर आपने फुल वॉल्यूम कर रखा है, तो किसी कीमत पे आपको सुनाई नहीं देगी बाहर वाले की आवाज। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसमें कितने एमएम का हमें ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस बड़ा 50 mm का ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा ड्राइवर माना जाता है। तो यानी कि आपको इसमें बेस में तो कमी आने ही वाली नहीं है। और इसकी मैं म्यूजिक की क्वालिटी की बात करूं तो आपको डिसेंट क्वालिटी के साथ हाई बेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप एक बेस पसंदीदा लोग हैं, आपको बेस पसंद है गानों में सुनना, तो परफेक्ट हेडफोन है आपके लिए इस बजट में। और इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो ये करीबन 1000 से लेके 1600 तक मिलता रहता है। कभी प्राइस अप हो जाते हैं, कभी प्राइस डाउन हो जाते हैं, और कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका ब्लैक कलर ये थोड़ा महंगा मिलता है, अदर्स कलर थोड़े सस्ते आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपको ब्लूटूथ 4.1 आपको देखने को मिलेगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है मैं कहूँ तो इसकी, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5 हो सकता था, पर ये ब्लूटूथ 5 को बहुत आसानी से सपोर्ट करता है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसकी एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि अगर इसकी बैटरी भी खत्म हो जाती तो आप इसे ऑफ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, जिस स्विच से आप इसे ऑन करेंगे उसी स्विच से आप इसे एक बार क्लिक करने पर कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं और वहीं से कॉल को कट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको एक ब्लू LED इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें ब्लू और रेड का एक साइन जलेगा, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगी कि अब ये कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज इसके अब बात कर ले हम कनेक्टिविटी रेंज की, तो आपको गाइज इसके 10 मीटर की रेंज देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको बताऊँ अगर आप 10 मीटर टच कर लेंगे तो ये थोड़ा बहुत डिसकनेक्टिविटी दिखाने लगता है, क्योंकि अपने ब्लूटूथ 4.1 वर्जन की वजह से। और गाइज इसकी एक और बात जो मेरे को अच्छी नहीं लगी कि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में यूज़ करेंगे, यानी कि फुल वॉल्यूम में कुछ सुनेंगे, तो इसका जो आउटपुट है वो बाहर आने लगता है। तो अगर आपके बराबर में कोई बंदा है, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सुन रहे हैं, तो उसे पता पड़ जाएगा आप कौन सा म्यूजिक क्या चीज़ सुन रहे हैं, तो उसके पास तक आवाज़ चली जाएगी। अगर इन चीज़ों को इग्नोर करा जाए तो ये एकदम बेस्ट हेडफोन आपके लिए रहेगा। तो गाइज अगर बात कर ले इसके ओवरऑल लुक के बारे में, तो लुक आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि मुझे इसमें क्या डिसएडवांटेज लगी। सबसे पहली तो ये कि इसमें ब्लूटूथ 4.1 आपको देखने के लिए मिलता है। हो सकता है कि 2020 का जो नया वेरियंट आया उसमें हो सकता है आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने के लिए मिल जाए। और इसकी प्राइस की भी बात मैं करूँगा, ये 1000 से 1600 के बीच में आता है, तो ये मुझे कभी कभी लगता है कि ओवर प्राइस हो गया अपनी वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा साउंड क्लियर एंड क्रिस्पी तो नहीं मिलेगी, मीडियम आपको डिसेंट ही मिलेगी। पर बेस के मामले में कभी कभी मुझे लगता है कि ये प्राइस वर्थ है अगर आप इस बेस में ऐसा हेडफोन देखना चाहते हैं, क्योंकि 50 mm का ड्राइवर और शायद ही किसी और में आता होगा इस प्राइस रेंज में, तो शायद इन कंपनीज में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइस इसका एक छोटा वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको छोटा ड्राइवर और कम प्राइस के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं उसकी वीडियो लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इनका मैं कंपैरिजन भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो गाइस वो आता है बोट्स की तरफ से रोकर्स 450 आता है, ये 510 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ये थी ओवरऑल वीडियो इस हेडफोन के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो गाइस मैं कहूँगा कि आप शायद 1000 से लेके 1600 के बीच में कोई और हेडफोन भी परचेज कर सकते, किसी और कंपनी का भी परचेज कर सकते, पर मैं कहूँगा कि उसमें आपको ऐसी बेस देखने के लिए किसी कीमत पर नहीं मिलेगी इस बैटरी बैकअप के साथ। तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं अगर आप बेस की तरफ जाना चाहते हैं और गेमिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट आपके लिए हेडफोन रहेगा इस प्राइस रेंज में, क्योंकि गेमिंग हेडफोन सस्ते नहीं आते। तो मैं कहूँगा आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपना बिल्कुल मत जाना, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।